नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है मल्टीग्रेन कचौड़ी। आप इसको मठरी भी बोल सकते हैं क्योंकि इसको हम स्टोर करके रख भी सकते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, मसालेदार बनती है। इसको हम आलू से बनाएंगे। ये हम लेंगे बाजरे का आटा 1 कप, चावल का आटा लेंगे आधा कप, 1 कप लेंगे मक्के का आटा। तीनों आटों को हमने छान कर लिया है, आप इनको छान लें तब उसका यूज करें। 4 आलू लेंगे उबले हुए, जिनको हमने ठंडा करके छील लिया है। 1 हम ग्रेटर लेंगे बारीक वाला, इससे जो हमारे आलू हैं बिल्कुल बारीक होंगे, कोई भी गांठ नहीं रहेगी। 3 आलू हम आटे में ही मिक्स करेंगे, 1 आलू हम रख देंगे वरना ये गीला ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके ही हम आलू का यूज करेंगे। सारा आलू लग जाता है। 1 चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे जीरा, ये हम गरम मसाला डालेंगे 1 चम्मच, नमक डाल देंगे 2 चम्मच, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने डाल दिया है। अब 2 हम हरी मिर्च डाल देंगे, 1 कप हम डाल देंगे हरा धनिया काट कर, सौंफ डाल देंगे 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार डालें, मैंने 3 चम्मच डाल दिया है। आप इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का भी यूज कर सकते हैं, मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का यूज किया है। ये हम बाकी का जो आलू है इसको भी हम डाल लेते हैं। सारा आलू लग जाता है। सख्त आटा हमको लगाना है। आलू से ये बनकर तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी रहती है। इसको आप सफ़र में भी लेकर जा सकते हैं। अब हम 1 टेबल स्पून तेल लेंगे, तेल या घी ले सकते हैं, सरसों का तेल ना यूज करें, कोई भी और तेल ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल। तेल को लगाकर आटे को हम चिकना कर लेते हैं। आटे को हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। अच्छे से आटा हमारा फूल जाएगा क्योंकि इसमें सारे मोटे अनाज हैं। चावल का आटा है जो वो पानी सोखता है, तो आलू से हमारे पानी जो निकलेगा वो चावल का आटा सोख लेगा और उसमें से एक क्रिस्पी भी बनेगी कचौड़ी। छोटी छोटी लोई बनाकर हम कचौड़ी को बेल लेते हैं। इसको आप हाथों से भी बना सकते हैं, बेलने से भी बेल सकते हैं, हाथों वाला बहुत ही आसान रहता है। इसमें से चिपकने का भी डर रहता है, आप देख सकते हैं ऐसे फट रही हैं। इसको आप ऐसे निकाल लें, किसी भी पॉलीथीन में आप इसको फैलाते जाएं। ऐसे ही हम सारी कचौड़ी को बेल लेंगे। चम्मच की मदद से हम निकाल लेते हैं। आप हाथों में तेल लगाएं और दोनों हाथों से ऐसे चपटा कर लें, तो कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। हाथों से जब कचौड़ी बेलते हैं बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है, तो ऐसे ही हम सारी कचौड़ी को बेल कर तैयार कर लेते हैं। बाकी की कचौड़ी हम ऐसे ही बेल कर तैयार करेंगे। इसको हम पन्नी में फैलाए हैं, पन्नी में फैलाने से अच्छे से उठ जाती है, टूटती भी नहीं है। तेल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल को हम हल्का ही गर्म करेंगे क्योंकि इसको क्रिस्पी बनाना है, तो बिल्कुल धीमी आंच में इसको हम फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं तेल इसमें बिल्कुल कम लगता है, थोड़े ही तेल में ये अच्छे से कचौड़ी बनकर तैयार हो जाती है। अब इसको हम पलट देते हैं। आप इसमें गेहूं का आटा भी मिलाकर बना सकते हैं कचौड़ी। अच्छी गोल्डन हो जाए जब कचौड़ी, तो इनको निकाल लें। ऐसे ही हम सारी कचौड़ी को बेलकर तल लेंगे।
एक थाली में हम रखते जाएंगे। ऐसे हम सारी कचौड़ी को बनाएंगे। ये बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसको आप ठंडियों में बनाएं या गर्मियों में, बहुत ही टेस्टी लगेंगी। चाय के समय में खाएं इसको या नाश्ते में खाएं। बच्चे तो बहुत ही पसंद करेंगे ये कचौड़ी, देखने में ही बहुत ही सुंदर लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। सारी कचौड़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है और ऊपर से ये क्रिस्पी भी है। इसको हम टमाटो केचप के साथ सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी, आप कोई भी चटनी बनाकर खा सकते हैं। ये हम चिली सॉस भी लेंगे, आपको जिस भी चटनी से खाना हो आप सर्व कर सकते हैं। सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।